रावण जैसा विद्वान नहीं था, नौकरों को अपने पैरों तले रखता था, सने के ऊपर तो पैर रख के बैठता था। बोलना पड़ेगा महाराज, जिस सनी से तुम डरते हो ना, सनी आ गए राशि में। सनी बहुत न्याय प्रिय देवता है, उसी की राशि में आता है जो जीवन में खोटे किए उनका फल देने के लिए। आपको बोलना पड़ेगा महाराज, तो चाहे सनी से डरो या ना डरो, कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। रावण जैसा विद्वान नहीं, शिव का उपासक, बोलना पड़ेगा। सारे ग्रहों को अपने नीचे रखता था, पैरों के नीचे रखता था, सने के ऊपर पैर रख के बैठता था। बोलना पड़ेगा महाराज। और जब माँ सीता को लेके गया, बुद्धि बुद्धि सटक गई। देखिए सोने की लंका में रहता है जो कुबेर को पकड़ के ले आया है। बोलना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। जिसके पास पद है, जिसके पास धन है, वैभव है, लेकिन बुद्धि नहीं है, ध्यान दो। अब राम जी ने जामुन जी से कहा, जामुन जी बुजुर्ग है, बड़े हैं, कि पुल तो बन गया, लेकिन कल युद्ध है और युद्ध से पहले मुझे शिव की पूजा करनी है। बोलना पड़ेगा महाराज। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदावसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव शिव बोल रे प्यारे, बड़े भाग्यशाली हो, बड़ा दिव्य दरबार है, हमने भी त्रिपोलिया महादेव के दर्शन किए हैं। देखिए अब बड़े भाग्यशाली हो जो आसपास ऐसे सिद्ध स्थान आपके यहाँ है, लेकिन जाकर दर्शन करने से और अपनी बात कहने से वो आपकी जरूर सुनेंगे। आइए अब चलते हैं रावण और रामायण की शिक्षा लेते हुए कृष्ण कथा की ओर। क्यों माताएं उत्सुक है कि छोटे से कन्हैया कब आएंगे? बोलना पड़ेगा वाला। आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो बताओ, कि तुम्हें देख के जाऊं कथा ही ना करूं। अब बताओ, देखो या कथा करो, जो आज्ञा तुम्हारी। बोलना पड़ेगा। तो राम ने इच्छा की कि मुझे शिव की पूजा करके शिवलिंग स्थापित रामेश्वरम कभी दर्शन करके आना, कल फिर युद्ध पे जाना, पहले पूजा करनी है। अब पूजा के लिए आचार्य चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी और सन्यासी गुरु अविनाशी। बोलना पड़ेगा वाला, इन ब्राह्मणों के बगैर आपका काम नहीं चल सकता। इसलिए कहाँ देना है, किसको देना है, हर व्यक्ति का स्थान है, आपको विशेष रूप से बताया है। एक आपके समाज में परंपरा है कि पितरों के वस्त्र किसको दे, है ना? तो पितरों के वस्त्र हमेशा ब्राह्मणों को देना चाहिए, जो आपके कुल पुरोहित हैं। अगर नहीं है तो संकल्प लेकर ब्राह्मण को अपना कुल पुरोहित बनाइए और कपड़े भोजन खिलाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उनको दीजिए। बोलना पड़ेगा। अब जामन जी से कहा तो जामन जी ने कहा पुरोहित एक ही है, आचार्य तो एक ही है, वो है रावण। और युद्ध किसके साथ करना है? अब वो पूजा करवाएगा, करवाएगा क्योंकि हमारे जैसा पंडित नहीं है। एक होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञाता हो, एक होता है ब्राह्मण, वो कहता है कि ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का, ये वो है, मैं नहीं करूंगा, इतनी दक्षिणा नहीं मिली तो मैं नहीं करूंगा। बोलना पड़ेगा। अब देखिए हमारे यहाँ भी जब ब्राह्मण मंत्र उच्चारण के साथ बोलते तो कितना प्यारा बोलते हैं। बोलना पड़ेगा हमारा। एक हमारे ब्राह्मण देवता बैठे हैं त्रिपोलिया महादेव के, जो उपासक है, भक्त है, कितना स्वभाव उनका कितना सरल है। तो आइए थोड़ा इस विषय पर भी चर्चा कर ले, ब्राह्मण और ब्राह्मण, पंडित और पंडितों में क्या अंतर है। जामन जी ने कहा आपकी पूजा और आप जैसा आचार्य चाहते हो, जो शिव भक्त भी हो और मैं वैष्णव हूँ, मुझे ऐसा आचार्य चाहिए। तो जामन जी व्यर्थ थे, उन्होंने कहा ऐसा तो है, पुलस्त के जो नाती है वो रावण है और रावण जैसा विद्वान नहीं, अगर आप कहो तो जाकर चर्चा करो।
और जैसे ही रावण ने सुना कि जामवंत जी आने वाले हैं तो सबसे कहा कोई उनको रोके ना, केवल उनके पैर छुए और सीधा मस्तक ले आए, क्योंकि वो विद्वान था। राम भी अपने आने का कारण समझ चुका था, तो रावण भी अपने आने का कारण समझ चुका था। जामवंत जी ने प्रार्थना की कि मेरे यजमान हैं, उनको पूजा करवा ले और उन्हें एक ऐसा ब्राह्मण चाहिए, आचार्य चाहिए जो शिव का उपासक हो, क्योंकि वो वैष्णव है, जंगल में रहते हैं। कल उनका युद्ध है और युद्ध से पहले वो शिव की स्थापना करना चाहते हैं। तो रावण कहता है जहां तक मेरा ख्याल है आपके वो दो यजमान राम और कुछ तो बोल दिया कर लक्ष्मण, हाँ आपने ठीक कहा, और आपके साथ ही उनका युद्ध है, लेकिन उनकी इच्छा है कि पहले पूजा हो, तो क्या आप वो पूजा करवाएंगे? जामवंत जो है वो रावण के जो नाती हैं, पुलस्त्य जी उनके मित्र हैं। रावण विद्वान था, रावण का धर्म था पहले वो ब्राह्मण है, बोलना पड़ेगा महाराज। पहले उसका जो कर्म है, उसने कहा आपने कहा तो मैं पूजा करवाऊंगा, आपके यजमानों से, आपके यजमानों से कह देना मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा और जो हवन की पूजा की सामग्री है वो ले आए। तो जामवंत जी ने कहा तो जंगल में रहते हैं, वो कहां से सामग्री लेके आएंगे? तो ब्राह्मण जो ब्राह्मण है, जो रावण जैसा, वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे यजमानों की इच्छा है पूजा करवाने की और आप कहने आए हो मेरे गुरु समान हो, तो मुझे ब्राह्मण का धर्म बनता है कि मेरे यजमान के पास अगर सामग्री ना हो तो वो सारी सामग्री मैं उपलब्ध करवाऊंगा, बोलना पड़ेगा महाराज, ये ब्राह्मण का धर्म है। आप जाइए, निश्चिंत रहिए, उनसे कहिए वो तैयार हो जाए। मेघनाथ को बुलाया है, अर्धरात्रि में अपने पुत्र को जगा कर कहा है मेघनाथ हमें सीता से मिलना है, और सीता से जाकर कहते हैं कल तेरा पति पूजा करवाएगा और बिना पत्नी के पूजा नहीं हो सकती, मेघनाथ रथ लेके आएगा, तुझे चलना है और उस पूजा में सम्मिलित होकर वापिस आ जाना है। ध्यान से सुनिएगा, पूजा का समय हुआ है, यजमान भी बैठे हैं, आचार्य भी गया है, तो आचार्य को प्रणाम किया है राम लक्ष्मण, क्योंकि ये मर्यादा है, ये धर्म है, और तुम अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए धर्म को कभी खींच लेते हो, कभी बांध लेते हो, कभी इधर कर देते हो, कभी उधर, लड़ाई बाद में है, पत्नी बाद में उठाई है, तकरार बाद में हुई है, लेकिन वो एक क्षत्रिय है और वो एक आचार्य है, वो एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ और ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, अपना अपना धर्म समझिए। यजमान तुम बैठ तो गए, लेकिन तुम्हारी पत्नी जामवंत जी ने कहा, मैंने कहा था कि मेरे यजमान जो हैं वो जंगल में रहते हैं, उनके पास सामग्री नहीं होगी, तो रावण कहता मैंने आपसे वादा किया था कि आपके यजमानों के पास अगर सामग्री नहीं हुई तो मैं लेके आऊंगा, और मैं लेके आया हूँ, सीता को बगल में बिठाकर पूजा आरंभ की है। पूजा करके सारी पूजा संपन्न हुई, चलने लगे तो राम ने कहा दक्षिणा, तो रावण कहता है कि तुम्हारा जो आचार्य है वो सोने की लंका में रहता है, क्या दोगे? तो राम जी कहते हैं जैसे भी मेरी मेरा भाव आप आदेश करिए। रावण समझदार था और वो कहता है बस जब मेरा अंतिम समय हो तो तुम दोनों यजमान मेरे सामने होने चाहिए, बोलना पड़ेगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, संतों के पास पली बड़ी हूँ, शायद होने को मैं समझ चुकी हूँ, जो होगा वो होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। लीला करने राम जी आए थे, रावण जी आए थे, लेकिन दोनों ने अपना धर्म नहीं हारा, पूजा पाठ धर्म कभी भी बैर नहीं पालता। पूजा संपन्न हुई, सीता अपने स्थान पर, अपने स्थान पर, राम रावण का युद्ध हुआ और रावण मारा गया। जैसे ही नाभि में धनुष लगा, गिरा धुरंधर धरती डोली, रावण मरा मंदोदरी को पता लगा, देखने आई इस दुनिया की 5 सुंदर स्त्रियों में अगर 5वीं कोई है तो मंदोदरी है, मंदोदरी इतनी सुंदर है और वो रावण की पत्नी है। ध्यान से सुनिएगा, बल में, पराक्रम में,
सेना में रावण सोने की लंका में रहता है, हर चीज में राम से उसके पास वस्तु बड़ी है, लेकिन मंदोदरी देखने आई कि मेरे पति को जिसने मारा वो कौन है। और जैसे ही राम जी कुटिया में बैठे थे, मंदोदरी आई, छाया देखी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कौन वहां आई है, कौन वहां आई, माँ मुझे माफ कर, मेरे कारण आप आपके पति मारे गए हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी पत्नी को उठाया था, मैं क्या करूं। तो मंदोदरी कहती है कि मैं बस इतना ही देखने आई थी, इतना ही देखने आई थी कि जो मेरा पति शिव का उपासक है, विद्वान है, सोने की लंका में रहता है, घरों को नीचे डाल के पैर रख के रहता है, उसको मारने वाला कौन है और उसकी मृत्यु क्यों हुई मुझे पता है। तो राम जी कहते हैं क्यों मारा गया रावण। तो मंदोदरी कहती है कि तेरे और मेरे पति में यही अंतर है, तूने मेरे पति पर विजय इसलिए पाई है क्योंकि तूने प्रायः स्त्री की छाया देखकर भी उसे माँ का दर्जा दिया और मेरा पति प्रायः स्त्री को उठाकर ले आया, चरित्र से आ रहा है। बोलना पड़ेगा, health is wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, but character is lost, everything is lost। चरित्र अगर आपका बढ़िया है, एक अच्छा चरित्र ही अच्छे आपके पास राम को ले आ सकता है। राम जिसका चरित्र अच्छा है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो अपनी पत्नी से प्यार करता है। आजकल के बच्चे आपके जो